देख लीजिए, जिसने भी जो टेस्टनेट पे पार्टिसिपेट किया था सभी को फ्री में जो सीपीयू मिल चुका है, मुझे भी मिल चुका है। तो किस किस को तो मिलेगा जो सीपीयू, इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। और जो भी अपडेट वगैरह है, अपडेट वगैरह देने वाला हूँ इस वीडियो में। माइनेबल का जो भी लेटेस्ट अपडेट है, तो मुझे जो कि एक फ्री में सीपीयू मिल चुका है, जिसमें से मेरा मुझे 5 टोकन इनकम हो भी चुका है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूँ किस किस को ये वाला सीपीयू फ्री में मिलने वाला है। तो इसके लिए अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम पे मास्टर मास्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वगैरह अपडेट वगैरह आता है सबसे पहले टेलीग्राम पे मिल जाता है। और टेलीग्राम पे मास्टर मास्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे जब भी शॉर्ट टाइम के लिए लूट वगैरह आता है सबसे पहले टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो टेलीग्राम पे मास्टर मास्ट ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले ये सीपीयू किस किस को मिलेगा वो बताता हूँ। तो जिसने भी टेस्ट नेट पे पार्टिसिपेट किया था, जिसका भी जो मेगा हार्ट जो कि ये 250 के ऊपर था, उन सभी को ये वाला जो सीपीयू मिलने वाला है, मुझे भी मिल चुका है। और मैं चाहूँ तो इसको सेल भी कर सकता हूँ। इसको सेल करूँगा तो मुझे कितना टोकन मिलेगा आप लोग देख सकते हो, 3.844 मिलियन शायद से मुझे टोकन मिलेगा। देख सकते हो एवरेज प्राइस इतने टोकन मुझे मिलेगा। तो चलिए आप लोग अभी बताता हूँ किस किस को मिलेगा। तो जिसको जिसको मिलेगा सभी को एक मेल आया होगा, आप लोग ये दिखा देता हूँ। और आप लोगों के पास जो कि है ना बहुत सारे अमाउंट पे कॉइन था वो क्यों चला गया होगा वो भी बताऊंगा। मुझे भी वो जो क्वेश्चन है जो चला गया वो मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए आप लोगों को बताया था, इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ। तो किस किस को ये वाला एयरड्रॉप मिलने वाला है। तो जिसने भी टेस्ट नेट पर पार्टिसिपेट किया था माइनेबल का, और उनका स्पीड जो 2 MH के ऊपर था, तो जिसने भी रेगुलर बेसिस में उसमें जो माइनिंग वगैरह किया उनका जो स्पीड 250 के ऊपर था, और सभी को 1000 टोकन करके फ्री में मिला था। जो 1000 टोकन से जिसने भी टोकन मशीन को परचेस किया था सीपीयू को, सभी को 250 के ऊपर हो गया था। मैंने अपडेट भी दिया था 1000 टोकन मिला था, तो सभी को सीपीयू बाय करने भी बोला था। तो जिसने बाय किया था सभी का 250 के ऊपर ऊपर टोकन है, उन सभी को मिल जाएगा टोकन। तो कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे ज्वाइन करना है तो आप लोग बताऊंगा, और क्यों आप लोग वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हो पुराना अकाउंट वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले उनका जो अनाउंसमेंट है वो बताता हूँ। इधर वाला माइनेबल बेटा यूजर एडॉप्ट इट्स टाइम टू रिवार्ड दैट बीटा टेस्टर। तो वो लोग बताए कि ये टाइम है कि बीटा टेस्टर को रिवार्ड देने का। इफ़ यू हैड ओवर 250 MH द बीटा यू विल रिसीव ए स्टार्टर वर्चुअल सीपीयू विद इन 24 आवर। तो वो लोग बता रहे हैं कि जिसका जिसने भी बीटा टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था 250 MH के ऊपर स्पीड था सभी को, विद इन 24 आवर्स के अंदर आप लोगों को जो एक सीपीयू दिया जाएगा फ्री में स्टार्टर का। दिस विल अलाउ दैट द बीटा यूजर हु डिसाइडेड दे आर टाइम टू रिपोर्ट दैट हेल्प अस टू गेट माइनेबल लॉन्च रेडी। तो वो लोग बता रहे थे कि जो भी बीटा यूजर है वो लोग बता रहा था कि हमने आप लोगों को हेल्प किया, हमें तो कुछ रिवार्ड दो, इसीलिए वो लोग आप लोगों को ये रिवार्ड देने के लिए राजी हो गया। तो इधर क्या बताया, इंपॉर्टेंट नोट ये वाला ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट अपडेट योर एप्लीकेशन टू द लेटेस्ट वर्सन एस क्रिएट ए न्यू वॉलेट ऑफ द एप यूजिंग द सेम जीमेल यूज इन द बीटा। इफ यू यूज डिफरेंट जीमेल यू विल नॉट रिसीव ए स्टार्टर सीपीयू। यू विल अंटिल 20 UTC टाइम टू क्रिएट ए टूडे टू क्रिएट वॉलेट। तो वो लोग बताया कि इंपॉर्टेंट अपडेट ये बताया, जिसने भी आप लोग को सिंपली एप्लीकेशन का अपडेट करना लेटेस्ट वर्जन पे, और जिसका भी ओल्ड अकाउंट था वो लोग तो लॉगिन नहीं कर पाओगे, वो लोग को अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब क्रिएट ए न्यू वॉलेट आप लोग अकाउंट क्रिएट करना होगा ऐप पे, या जिस जीमेल से आप लोग अकाउंट क्रिएट किया था उस अकाउंट से फिर से अकाउंट क्रिएट करना होगा उस जीमेल से। और वो बताया एस यूज इन बीटा, आप लोग जो बीटा वर्जन पे माइनिंग किया था, इफ यू यूज डिफरेंट जीमेल, आप लोग अगर डिफरेंट जीमेल यूज करते हो तो आपको रिवार्ड वगैरह नहीं मिलेगा और सीपीयू भी नहीं मिलेगा, वो लोग इधर साफ साफ बता दिया है। तो आप लोग कैसे अपना जो पुराना जीमेल से जिसने भी अकाउंट बनाया था उस अकाउंट से कैसे लॉग इन करना है वो भी बता दूंगा। तो वीडियो को सोचा लेकर एंड तक जरूर देखना, और अगला वीडियो शॉर्ट होने वाला, इतना ही अपडेट देने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग विड्रो वगैरह का सब कुछ का अपडेट दे देने वाला हूँ। तो कैसे क्या आप लोग अकाउंट बनाना है उसका प्रोसेस बताता हूँ। तो मैंने आप लोग को अपडेट कर दिया था, तो जिसमें मैंने अपडेट कर दिया, सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, आप लोग एप्लीकेशन को अपडेट वगैरह कर लोगे, दो साइड में ऑप्शन दिखाई देगा, एक साइड में लॉगिन दिखाई देगा, एक साइड में दिखाई देगा क्रिएट अकाउंट। तो सिंपली क्रिएट अकाउंट सेक्शन में क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप लोग आपको ऊपर एक ईमेल मांगेगा, ऊपर ईमेल देना जो जीमेल से आप लोग पहले साइनअप किया था, ऊपर जीमेल देना, नीचे पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड देकर रेफर कोड ऑप्शनल में रहने देना, वो वाला बाद में डालना, रेफर कोड का ऑप्शन खाली रख देना। जैसे ही रख दो कि आपका ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, जिसमें आप लोग क्लिक हेयर वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो क्लिक हेयर में क्लिक करोगे तो ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ईमेल वेरिफिकेशन हो जाता है सिंपली आप लोग ऐप पे चला जाना, तो इधर क्लिक करना आई हैव वेरीफाइड माई ईमेल, तो उसमें क्लिक करना। जैसे उसमें क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो 12 फास्ट आएगा, जितने भी फास्ट आएगा सारे के सारे सेफ्टी टाग भी रख देना। अगर उसको खो दोगे तो आप लोग अपने वॉलेट का एक्सेस खो दोगे, तो सिंपली उनको आप लोग कॉपी करके सीधे जगह पर रख देना। बाद में आप लोग पहले नंबर पर जो कोड था उसको सिलेक्ट करना, और लास्ट नंबर पर जो कोड था उसको सिलेक्ट करना। जैसे सिलेक्ट कर दो आपका वॉलेट जो और सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोग सिंपली इधर देख लेना, जो इधर आप लोगों को जो इधर आप लोग जो इधर वॉलेट वाले एक ऑप्शन दिखाई देगी इस कोने पे, सिंपली आप लोग उसमें क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो इस तरह से रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन आएगा, तो सिंपली रेफर एंड अर्न वाला सेक्शन में क्लिक कर देना।
तो जैसे क्लिक कर दोगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, इधर एंटर रेफर कोड वाला ऑप्शन आएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन आप लोग रेफर कोड मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो सिंपली इधर आप लोगों को जो रेफर कोड को एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सिंपली आप लोग सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना। आप लोग जैसे ही सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाओगे। तो आप लोगों को कब रिवार्ड मिलेगा वो बताता हूँ। तो जिसने भी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दिया था कि आप लोगों को इसमें जो सभी सबसे बहुत ही जल्द कर लेना है, 20 UTC तक टाइम रहेगा। जो इसका अभी इसका टाइम चला गया होगा विदिन 24 आवर्स वो लोगों ने करने का बोला था। मैंने चैनल पे अपडेट भी दे दिया था। तो अभी रात 1:30 बजे तक था, रात 1:30 बजे के पहले जिसने भी किया था सभी को रिसीव हो गया होगा शायद से। CPU मुझे भी रिसीव हो चुका है। तो जिसने भी रात 1:30 बजे से पहले कर लिया होगा सभी को ये वाला जो CPU मिल चुका होगा 20 UTC टाइम टाइम। तो अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने अपडेट जब दिया था तभी करना चाहिए था, अभी नहीं मिलेगा। तो जिसने भी कर लिया था सभी का रिवार्ड मिल चुका होगा। तो इतना ही अपडेट था। तो अगर आप लोगों को अपडेट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पर मास्टर मास्ट ज्वाइन कर लेना। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सिंपली आप लोग टेलीग्राम पर मास्टर मास्ट ज्वाइन कर लेना। तो आज के बीच में